नरसिंहपुर में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर नर्मदा सेना ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नर्मदा सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को 15 मई तक अवैध उत्खनन रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया है। नर्मदा सेना ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन अवैध उत्खनन रोकने में कामयाब नहीं होता तो मजबूरन नर्मदा भक्तों को अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए सामने आना पड़ेगा। आपको बता दें, जबलपुर नरसिंहपुर की सीमा पर अवैध उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ये ब्रह्मकुंड घाट है जो बेलखेड़ी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, कई सालों से ये अवैध उत्खनन यहाँ पे चल रहा है। माँ नर्मदा को जो है बीचों बीच से क्रेशर लगा के और रेत निकाली जा रही है, जिसमें काफी गहरे गड्ढे यहाँ पे हो गए हैं और धार टूटने की स्थिति में है। और यहाँ पर क्या है, प्रशासन भी यहाँ अनदेखी कर रही है। नहीं, पुलिस का कोई संरक्षण नहीं है, अगर कहीं पाई जाएगी तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो हमारा सीमा क्षेत्र नहीं है, वो जबलपुर जिले की सीमा क्षेत्र है। नहीं, बिल्कुल दायित्व तो है और उनपे उनको सूचना भी देंगे अगर कहीं देखेगा तो। पीछे तो कुछ नहीं दिखा रहे, चलने को तैयार है, अगर हमारे क्षेत्र में लगे होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, हमारी अपनी सीमा के संबंध में हम बात कर पाएंगे, बाकी के संबंध में यदि ये तो बीच धार की स्थिति अगर आप बता रहे हैं हम उसको दिखवा लेंगे, प्रोफाइल ट्विटर पर भी है, देख लेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।